देश में धर्मांतरण का मुद्दा नरम पड़ने की बजाय दिन पर दिन गर्माता ही जा रहा है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन के नाम पर एक बयान दिया है, जिसने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। कोलकाता में आयोजित बीएचपी के एक सम्मेलन में भागवत ने धर्मांतरण के मुद्दे पे कहा कि जो भूले भटके बिछड़ गए हैं, हम उनको वापस लाएंगे। भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चोर पकड़ा गया, विश्व जानता है कि वो मेरा माल है, मैं मेरा माल वापस लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके साथ ही भागवत ने घर वापसी कार्यक्रम का विरोध करने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी को इस पर ऐतराज है तो वो संसद में कानून बनवा ले। तो वहीं दूसरी तरफ भागवत के इस बयान की चौतरफा कड़ी आलोचना की जा रही है। सुधींद्र कुलकर्णी ने ट्वीट कर इंसानों को माल बताने और चोर शब्द का इस्तेमाल करने पर ऐतराज जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट।